हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मेक मी फूडी। आज मैं कोकोनट टोस्ट बना रही हूँ। उसके लिए हम देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। ये मैंने ब्रेड को इस शेप में काट लिया है। मैंने कुकी कटर से अपनी ब्रेड काट ली है। और ये मैंने 1 कप चीनी ली है, जिसमें मैंने 5-6 इलायची डाल ली है। और ये कोकोनट पाउडर है, पिस्ता, केवड़ा, और ये आधा कप मैंने पानी लिया है चाशनी बनाने के लिए। पहले हम चाशनी को प्रिपेयर करेंगे। मैंने पैन में चीनी डाल ली है और उसी के साथ मैं आधा कप पानी डाल दूंगी। चलिए, जब तक हमारी चाशनी रेडी होते हैं, हम अपने ब्रेड्स को फ्राई कर लेते हैं। ये मैंने कढ़ाई में तेल रख लिया था, जो भी गर्म हो चुका है। अब मैं अपने ब्रेड फ्राई करूंगी। इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन करने हैं। इन्हें निकाल लेते हैं। मैंने टिश्यू पेपर पर रख लूंगी, जितना एक्स्ट्रा ऑयल होगा सब निकल जाएगा। और ऐसे ही सारे तल लेंगे हम। ये भी हो गए हमारे। ये हमारे लास्ट भी हो गए हैं, इन्हें भी हम निकाल लेंगे और गैस बंद कर देंगे। अब मैं अपनी चाशनी देखती हूँ। हमारी चाशनी रेडी हो गई है। मैं गैस बंद कर दूंगी और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दूंगी। ये हमारी चाशनी ठंडी हो गई है। मैं इसमें अपना केवड़ा मिला दूंगी। इसे मिला लेंगे। अब मैं इसमें ब्रेड डालते ही निकाल लूंगी। हमें इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रखना है। बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये मैंने जो कोकोनट का पाउडर लिया था, इसमें मैं डाल दूंगी। इन्हें हम साइड में रख देंगे। इसे कोट कर देते हैं। ये कोट हो गए हैं। अब मैं इस पे ऊपर से पिस्ता डाल दूंगी। ये रेसिपी बहुत आसान है और इजीली बन जाती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।